नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को आपकी अपने एजुकेशनल चैनल जीके एरुटेक में। आज के इस वीडियो में हम मार्च 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में प्रश्न और उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच नदी मार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए किस नदी को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है? आंसर ए यमुना नदी, आंसर बी गंगा नदी, आंसर सी रूप नारायण नदी और आंसर डी देविका नदी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रूप नारायण नदी। नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने हाल ही में लोनावा स्थित INS शिवाजी में भारतीय नौसेना की परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा NBCTF का उद्घाटन किया। इसे क्या नाम दिया गया है? ए अद्भुत, बी शक्ति, सी सार्थक, डी अवैध। तो आंसर है दोस्तों डी अवैध। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वैश्विक ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2018 में कितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया है? आंसर ए है दोस्तों 2299 मीटर। हाल ही में मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध तरक्की से निपटने हेतु किस देश के साथ किए गए समझौते को मंजूरी दी? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार और ऑप्शन डी कुवैत। तो आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी इंडोनेशिया। पांचवा जो है दोस्तों करंट अफेयर से, 12वीं एशियन एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी बीजिंग, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी ताइपे। तो आंसर है ऑप्शन डी ताइपे। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया ने केनिची आयुकावा को 1 अप्रैल 2019 से कितने साल की अवधि के लिए फिर से प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त कर दिया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल और ऑप्शन डी 7 साल। तो आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बी 3 साल। पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है कि अमेरिका और किस देश की सीमा दीवार के लिए $1 अरब राशि को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है मैक्सिको, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए मैक्सिको। भारत और किस देश ने देश दर देश यानी CBC रिपोर्टों के आदान प्रदान के लिए 27 मार्च 2019 को नई दिल्ली में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी इराक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका। अगला जो है 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े सॉफ्टवेयर को लेकर दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर PNB पर कितने करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 4 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी 2 करोड़ रुपए। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 2 करोड़ रुपए। हाल ही में ही UNDAP द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2018 में पिछले 10 वर्षों में भारत की निर्धनता दर 55% से कम होकर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी 28% हो गई है। ये जो है दोस्तों करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आंसर थे मार्च 2019 के। आई होप दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल जेके एरुटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए आते ही लेटेस्ट और नई टेक्निकल एवं एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।